Hello students, a very good morning to all. In this video we will going to start chapter number 13, which name is probability. So first of all, what is probability? है ना, पहली बात तो probability है क्या? देखो, जैसे मान लो आपके exams हुए, ठीक है, आपके exam हुए, exam होने के बाद आपको 80% आपको लग रहा है कि मेरे maths में से 100 में से 100 marks आ सकते हैं. ठीक है, कि आपको 80% अपने चांस लग रहे हैं कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे मैथ में से आफ्टर एग्ज़ाम. तो वो जो आपको 80% चांस लग रहे हैं कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं चांस भी बोल सकते हैं, चांसेस, ठीक है, या फिर संभावना. हिंदी में अगर मैं बात करूँ उसको हम बोलते हैं संभावना. ये मुझे इतनी संभावना है, मुझे 80% संभावना है कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, या फिर मेरे इतने चांस है, मेरे 90% चांस है कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, मेरे 80% चांस है. तो वो जितने परसेंट हमें चांस होते हैं, जितने परसेंट हमें संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी बोल दो, चांस बोल दो, संभावना, तीनों ही क्या है, सेम है, तीनों का मतलब सेम ही है. वो चांसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. उस चांसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा. अब देखो, जैसे चलो पहले आगे, अब मैं कुछ डेफिनेशन करवाती हूँ, पहले उनको ध्यान से समझना कि वो सारी है क्या. हम पहली डेफिनेशन कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे आपके समझ में, ठीक है. पहली क्या वर्ड है, रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम क्या होता है, रैंडम होता है अनडायरेक्शनल, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, रैंडमली. जैसे वैसी हमने कोई भी चीज़, मान लो टू कॉइन्स हैं, उनको हमने रैंडमली थ्रो कर दिया ऐसी, ठीक है. रैंडम होता है मिक्सअप, मतलब वैसी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना फेंकना, वैसी रैंडमली फेंक देना किसी भी डायरेक्शन में. अब देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे मान लो हम इस चैप्टर में मोस्टली टू चीज़ों की बात करेंगे. एक तो हमारा कॉइन, जैसे हम छोटे होते कॉइन से क्या करते थे, टॉस करते थे ना. हम कहते थे कि अगर हेड आया तो मैं ये करूँगा, अगर मेरा टेल आया तो ये करूँगा. तो आपको पता है कि मतलब अगर मैं बात करूँ कॉइन के केस में, है ना, जो सिक्का होता है हमारा, कॉइन के केस में टू तरह के रिज़ल्ट आ सकते हैं. एक हमारा हेड आ सकता है, एक हमारा टेल आ सकता है. तो इसके अलावा कोई और रिज़ल्ट तो आ नहीं सकता ना. अगर मैं एक बार थ्रो करूँगी, मेरे कॉइन को एक बार थ्रो करूँगी, तो उसमें टू दो तरह के रिज़ल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है. या तो उसमें हेड आएगा, या फिर उसमें क्या आएगा, टेल आएगा. तो देखो, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो गई. जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, उसमें या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा. तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो गई. अब कितने, अब ये तो हमें पता चल गया कि उसमें या हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट ये देखो कि कितने परसेंट चांस है कि हेड आए, या फिर कितने परसेंट चांस है कि टेल आए, डैट इज़ द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब इसमें तो टू ही हैं. जैसे 50% ही चांस हो गए हेड आने के, 50% ही चांस हो गए टेल आने के, मोस्टली इस केस में, कॉइन के केस में. कि दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, 50% ये आ सकता है, 50% टेल आ सकता है. सिमिलरली जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट भी यही है कि मान लो मैंने एक कॉइन थ्रो किया रैंडमली, वैसे बिना देखे, रैंडमली हो गया बिना देखे, ठीक है, वैसे ही फेंक देना बिना ध्यान दिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं. जैसे एक एक्सपेरिमेंट ही हो गया कि मैंने कॉइन को रैंडमली ऐसे टॉस कर दिया, रिजल्ट नहीं पता मुझे क्या आया. रैंडम एक्सपेरिमेंट वही होता है जिसका हमें रिजल्ट ना पता हो. क्लियर हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग ही ये होता है कि कोई भी हमने टॉस वगैरह किया, या फिर हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो में क्या करते हैं, हम डाइस को थ्रो करते हैं ना, अपनी चांस जब हमारी आती है, जब हमारी बारी आती है तो हम डाइस को थ्रो करते हैं. आपको पता होगा, एक हमने डाइस के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, मेनली दो तीन चीज़ों के बारे में. डाइस पे आपको पता है, जैसे कॉइन के केस में या तो हेड आ सकता है या फिर टेल. अब डाइस के केस में क्या क्या आ सकता है, या तो हमारा वन नंबर आ सकता होता है, या हमारा टू, या हमारा थ्री, या हमारा फोर आ सकता है, या फाइव, या फिर सिक्स. डाइस पे टोटल कितने नंबर्स होते हैं, सिक्स तक नंबर्स होते हैं. तो हमारे डाइस के केस में क्या क्या चांसेस हैं, हमारा वन आ सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. तो इसमें सिक्स रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं. अब कितने कितने चांसेस होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंट चांस है कि टू, मेरा टू नंबर आए, कितने परसेंट चांस है कि मेरा फोर नंबर आए, कितने परसेंट चांस है मेरा सिक्स नंबर आए, एंड सो ऑन. तो दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी.
कि कितने परसेंट चांस है कि मेरा 2 नंबर आए, कितने परसेंट चांस है कि मेरा 5 नंबर आए, तो वही हमारी प्रोबेबिलिटी है कितने परसेंट चांस होने किसी रिजल्ट के आने के, ठीक है ना, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अब ये जो हमने कॉइन को टॉस किया, रैंडमली किया, बिना देखे हेड आए टेल आए हमें नहीं पता, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट हमें ना पता हो, जिसके रिजल्ट के बारे में ना पता हो, हमने सिंपल एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, कॉइन को टॉस कर दिया और उसका हमें रिजल्ट नहीं पता कि क्या आएगा। अब जो डाइस वाला, ये दिस इज़ ऑल्सो एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि हमने डाइस को थ्रो किया, उसमें क्या नंबर आएगा ये तो नहीं हमें पता होता ना, हम तो सिंपल डाइस को थ्रो करते हैं खेलते हैं वक्त भी, है ना, जब लूडो खेलते हैं हमें नहीं पता होता हमारा कौन सा नंबर आने वाला है, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हमें इसका रिजल्ट नहीं पता होगा, हम रैंडमली थ्रो कर देंगे डाइस को बट हमें उसका रिजल्ट नहीं पता होगा, ठीक है। सिमिलरली आपने कभी कार्ड्स खेले हैं जिसको हम ताश भी बोलते हैं हिंदी में, कार्ड्स कार्ड्स होते हैं ना जिसको हम ताश भी बोलते हैं हिंदी में, ताश खेले हैं किसी ने, पता नहीं मुझे आपने खेले होंगे या नहीं। कार्ड्स के केस में भी ऐसे होता है, जैसे हम रैंडमली जो कार्ड्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग, जैसे जितने भी पर्सनस हैं उसके बाद कौन से पत्ते आएंगे हमें तो नहीं पता होता, मेरे पास 1 2 आएगा, 4 आएगा या फिर जे आएगा या फिर किंग आएगा, क्यून आएगी, क्या आएगा हमें कुछ नहीं पता होता, तो वो भी तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होता है ना। आप ये चीज़ याद रखना, कार्ड्स में ये कार्ड्स वाला मैं आपको पूरा बाद में बताऊंगी, जिसको नहीं पता कि कितने कार्ड्स होते हैं उसमें कितने ब्लैक होते हैं कितने रेड होते हैं, ये चीज़ भी पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कार्ड्स का मैं अभी बाद में प्रॉपरली डिस्कस करूँगी कार्ड्स को दोबारा से, बट कार्ड्स का अगर एक्सपेरिमेंट बात करूँ मैं, कार्ड्स के जब हम कार्ड्स को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दी पीपल्स जो खेल रहे हैं, तो उनमें भी क्या है, वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसके पास कौन सा पत्ता जाने वाला है, उसके रिजल्ट का नहीं हमें पता होता, जस्ट हम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट जरूर कर देते हैं बट वी डोंट नो अबाउट द रिजल्ट ऑफ कार्ड गेम, ठीक है, तो डैट इज़ ऑल्सो एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में तो पता चल गया होगा कि क्या होता है ना, जिसका हमें रिजल्ट ना नोन हो, ना पता हो रिजल्ट। अब एक इवेंट आता है, इवेंट क्या होता है, एक टर्म है इवेंट, ठीक है। इवेंट भी कुछ नहीं है, देखो जैसे मैंने अभी बोला कि हमने कार्ड्स को थ्रो जैसे हमने डाइस शुरू में किसकी ली थी, सॉरी कॉइन किया, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस किया, मान लो मैंने उसको 2 times टॉस किया, मैंने कॉइन को 2 times टॉस किया, पहली बार देन दूसरी बार, ठीक है, मतलब मैंने उसको 2 times टॉस किया है ना, तो मान लो पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया, तो मतलब उसको 2 times टॉस किया है, तो मतलब इवेंट बोलते हैं हम एक स्पेसिफिक, जब हम एक मतलब एक बार थ्रो करेंगे तो वो एक इवेंट होगा, जब हम दूसरी बार थ्रो करेंगे तो वो सेकंड इवेंट होगा, मतलब जितनी बार हम थ्रो करते जाएंगे, मतलब है तो ये एक तरह रैंडम एक्सपेरिमेंट ही, बट इसमें क्या है, जितनी बार हम चीज़ को कर रहे हैं उसको तोड़ दिया, जैसे एक बार कर रहे हैं तो उसको 1 event बोल दिया कि एक इवेंट हो गया, इसमें हमें इसकी रिजल्ट भी पता होगी, जैसे हम कहेंगे कि कॉइन को 1 time टॉस किया और उसमें हेड आया तो डैट इज़ 1 event, ये एक इवेंट हो गया, मैंने कॉइन को 2nd time टॉस किया उसमें टेल आ गया तो डैट इज़ द 2nd event, तो इसमें हमें रिजल्ट भी पता होगी, इवेंट इज़ 1 or more आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे किसी अगर मैं कॉइन को 3 times टॉस करती तो मैं बोलती कि इसमें कितने इवेंट्स हैं, इसमें 3 events हैं, जितनी बार टॉस करी उतनी उसमें इवेंट्स होंगे और उसका हमें रिजल्ट भी पता होगा, डैट इज़ द इवेंट। सिमिलरली इन द केस ऑफ डाइस, डाइस में अगर मान लो डाइस को मैं 4 times करी तो मैं बोलूँगी 4 events हैं, ठीक है, तो वो तो वैसे है कि इवेंट जितनी बार किसी चीज़ को हम टॉस या थ्रो कर रहे हैं डैट इज़ द इवेंट, और उसकी आउटकम हमारा रिजल्ट हमें पता होगा ऑलमोस्ट इस केस में, इवेंट के केस में। इवेंट के बाद एक टर्म होती है हमारी आउटकम। अब आउटकम तो वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट प्रॉपर, कि मेरे पेपर दिए, मेरी आउटकम क्या हुई, मेरा रिजल्ट क्या आया, दैट इज़ द बस क्या है, मतलब दैट इज़ द आउटकम, ये तो कुछ नहीं आउटकम। इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, आउटकम इज़ द रिजल्ट ऑफ सिंगल ट्रायल और इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। भाई इवेंट में वैसे रिजल्ट आपको नहीं पता होगा, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि हेड, आपको सिंपल इतना पता होगा कि मैंने कॉइन को 2 times टॉस किया है तो
उसके दो इवेंट्स हैं, ठीक है, कि एक बार दूसरी बार टॉस करेंगे, पर इसका रिजल्ट नहीं पता होगा। आउटकम में जो हमने अभी इवेंट किया है कि कॉइन को टू टाइम्स टॉस किया, फर्स्ट इवेंट में उसका रिजल्ट क्या आया, दैट इज़ द आउटकम, जैसे हेड आया। सेकेंड इवेंट में उसका रिजल्ट क्या आया, टेल आया, तो ये उसके आउटकम्स, आउटकम रिजल्ट हो गए, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के, या फिर जो हमने ऊपर रैंडम एक्सपेरिमेंट किए थे उसके रिजल्ट्स जो आएंगे उसको हम उसकी आउटकम बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर किए थे एक्सपेरिमेंट उसकी जो आउटकम है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट किए थे उनका जो रिजल्ट आएगा डैट इज़ द आउटकम। उसके बाद एक वर्ड होता है सैम्पल स्पेस, एक वर्ड होता है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या होती है, देखो सैम्पल स्पेस कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। देखो मतलब कितने मतलब कि चांसेस कि, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया था, तो कॉइन जब हम टॉस करते हैं हमें पता है कि रिजल्ट कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, दैट इज़ द सैम्पल स्पेस। जैसे अगर मान लो मैं कॉइन को एक बार टॉस कर रही हूँ, वन टाइम, कॉइन को ओनली वन टाइम टॉस कर रही हूँ, या तो उसमें क्या आएगा हेड, या उसमें क्या आएगा टेल, मगर प्रॉपर हमें रिजल्ट नहीं पता, मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट पर ही बात कर रही हूँ, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें रिजल्ट नहीं पता, मैं वैसे देख रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस वो होती है कि क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, या उसमें हेड आएगा, या क्या आएगा उसमें टेल आएगा, तो डैट इज़ द सैम्पल स्पेस। इसको विद इन दिस ब्रैकेट, इसको इन करली ब्रैकेट्स में हम एनक्लोज कर देते हैं, तो ये क्या बन गई, जब हमने वन कॉइन को टॉस किया है तो उसकी ये सैम्पल स्पेस बन गई कि क्या क्या रिजल्ट आने के चांसेस है, या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इसके टू सैम्पल स्पेस में टू एलिमेंट्स आ गए, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हम मान लो मतलब टोटल नंबर, हम इसकी डेफिनेशन अगर बोले, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, कि कौन कौन सी आउटकम आ सकती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसके क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, डैट इज़ द सैम्पल स्पेस। अब हमने वन कॉइन को टॉस किया था रैंडमली, तो उसके कौन कौन से रिजल्ट आ सकते थे, या उसका हेड आ सकता था या फिर टेल आ सकता था, तो ये कलेक्शन हो गई किसकी, पॉसिबल रिजल्ट्स की, कि क्या क्या आ सकते हैं, डैट इज़ द सैम्पल स्पेस। तो ये इसकी एक सैम्पल स्पेस बन गई कि ये रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट आ सकते हैं उसकी, अब जब हम उसको विद इन द ब्रैकेट एंड क्लोज कर देते हैं वो क्या बन जाती है, एक सैम्पल स्पेस बन जाती है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो मैंने वन कॉइन को टॉस किया, अगर मान लो मैं कॉइन को टू टाइम्स टॉस करूँ, ध्यान से सुनो, कॉइन को अगर मैं टू टाइम्स टॉस करूँ, एक मिनट रुको, टू टाइम्स मत बोलो, चाहे ऐसे बोल दो कि मान लो मैं टू कॉइन्स को टॉस कर रही हूँ, यहाँ पे तो मैंने वन कॉइन को टॉस किया है, तो वन कॉइन पे तो हेड या फिर टेल आ सकता है। अब मैं टू कॉइन्स को टॉस कर रही हूँ, ध्यान से देखो, इधर मेरे पास एक कॉइन है, दूसरा कॉइन है, सेम टाइम पे इन दोनों को टॉस कर रही हूँ, सेम टाइम पे, मतलब मैंने इधर वाला कॉइन भी थ्रो कर दिया, इधर वाला कॉइन भी थ्रो कर दिया इकट्ठे ही। तो जब मैं इकट्ठे थ्रो करूँगी तो ये एक हमारा इकट्ठा रैंडम एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। तो मैं इसके क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, ध्यान से देखो, देखो या तो इस, अब ये चीज़ ध्यान देने वाली है, जब मैंने दो कॉइन को इकट्ठे थ्रो किया है तो जब वो नीचे आएंगे, या तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है, चांसेस देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, या तो दोनों पे क्या आएगा, एच हेड हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे क्या है, टेल भी आ सकता है, टी है ना, इसके अलावा या फिर क्या आ सकता है, ध्यान से देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉइन थे ये हमारे, ठीक है, या फिर इधर एच आ सकता है, इधर टेल भी तो आ सकता है ना, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, चांसेस देख रहे हैं कि क्या क्या आने के चांसेस है, या फिर इधर वाले पे टेल आ सकता है, इधर वाले पे हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टी एच आ सकता है ना। तो अब इसके अलावा तो कुछ और आ ही नहीं सकता रिजल्ट ना, या दोनों पे हेड हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आएगा, या फिर फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सैम्पल स्पेस बन गई, कब, जब हम टू कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो डैट इज़ द सैम्पल स्पेस व्हेन वी थ्रो टू कॉइन एट अ सेम टाइम पे हम क्या टू कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं, तो हमारी ये क्या है, ये रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, ये हमारी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, सैम्पल स्पेस बन गई। अब एक चीज़ और सुनो,
आपको ना ये चीज़, जैसे यहाँ पे फोर बने हैं ना, फोर बने हैं, ये चीज़ आप कैसे पता लगा सकते हो कि टोटल मेरे पास कितने बनेंगे सैम्पल स्पेस में? तो इसका एक फॉर्मूला है, आप क्या करो कि कितने मेरे पास सैम्पल स्पेस में बनेंगे ये कैसे पता लगा सकते हो? देखो पहली बात तो ना इसका फॉर्मूला ऐसे देखो, जैसे क्वाइन है, क्वाइन के केस में दो ही रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, मेनली हेड या टेल। क्वाइन के केस में हेड या टेल ही आता है, इसके अलावा और कोई तो है नहीं आउटपुट, है ना। हेड या टेल इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो अलग बात है, मतलब मेन तो हेड और टेल ही रहते हैं रिजल्ट। तो ये दो रिजल्ट आते हैं हमेशा, हेड या टेल। तो 2n इसका फॉर्मूला है, अगर हमने क्या फाइंड करने हो, अगर हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, कि सैम्पल स्पेस में टोटल, अब देखो 2 तक तो आपको खुद पता ही लग जाएगा कि 4 ही बनेंगे, पर अगर 3 कॉइन टॉस करने के लिए कह दिए, तो मैं कह रही हूँ कि अगर ज़्यादा कह दिए तो उसके लिए आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट करोगे कि सैम्पल स्पेस में हमारे कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये सिर्फ कॉइन के केस का ही है, ये चीज़ ध्यान रखो, कॉइन के केस का फॉर्मूला है, अदरवाइज नहीं। कॉइन के केस में हेड और टेल दो होते हैं ना, तो 2n, 2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हेड और टेल दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। 2n, एन क्या है, एन हम कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स होगे, कितने कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं। मान लो पहले हम 1 कॉइन को टॉस कर रहे थे, तो 2n आ जाएगा, तो 2n मतलब 2 ही आंसर आ जाएगा। इस केस में हमें पता है हमारा एक एच बना था, एक क्या बना था, टी बना था ना। अब जब मैं 2 कॉइन ले रही हूँ, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, 2n, क्योंकि एन की जगह पे मैं 2 पुट कर दूंगी जितने कॉइन्स हैं। तो इसको ओपन करेंगे, 2 × 2 कितना आया, 4। तो हमने देखा क्या था, सच्ची में ही 4 बने थे, HH TT HT या फिर TH बना था ना। अगर मान लो आपको 3 कॉइन्स की बात कर देते कि 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे हमारा, 2n, तो 2 × 2 × 2 करेंगे, तो डैट इज़ द 8, कितना आंसर आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। तो इसमें देखो, जब हम 3 कॉइन, ऐसे 3 कॉइन ले लिए, तीनों को इकट्ठे टॉस कर रहे हैं, तो या तो तीनों पे HH आएगा ना, हमारा HH बन जाएगा, वैसे इतने लंबे की जरूरत नहीं है, मैं एक बार बता रही हूँ, या हमारा क्या TT बन जाएगा, तीनों पे टेल आएगा, या फिर पहले पे हेड दूसरों पे टेल आएगा। ये करते करते ना आप सारे केस बनाओगे तो आपके 8 ही बनेंगे, पहले पे एच दूसरों पे TT, या फिर पहले 2 पे एच तीसरे पे टी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, 8 बन जाएंगे, 2 पे हेड तीसरे पे टी हो सकता है, इसके अलावा हाँ पहले पे हेड पिछले 2 पे टी, पहले पे टी दूसरे पे 2 पे HH हो सकता है, TTH हो सकता है, इसके अलावा HTH हो सकता है, THT हो सकता है, ये ऐसा। तो 8 केस बनेंगे आपके ये वाले, ठीक है। तो आपको वैसे 3 तक जाने की जरूरत नहीं है, पर आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो सैम्पल स्पेस में, तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो किसमें, हाँ डाइस के केस में, जैसे अपने अभी तक हमने कॉइन को डिस्कस किया है, डाइस, ठीक है, डाइस के हमें पता है 1 से लेके, अगर मैं 1 डाइस को 1 बार थ्रो करूँ, डाइस एक डाइस को थ्रो करूँ, सिर्फ 1 डाइस को, तो हमें पता है उस पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो डैट इज़ द सैम्पल स्पेस। 6 तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं, है ना, तो डैट इज़ द सैम्पल स्पेस बन गई 1 डाइस की। अब अगर डाइस 2 की बात करें, कि 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, एक साइड पे एक, दो हाथों में ले लिए, दोनों से डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो कितने चांस बनेंगे, ये चीज़ देखने वाली है। जैसे अब वहाँ पे तो हमने एक फॉर्मूला लगा लिया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का, 2n। सिमिलरली इसका भी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, अब देखो जैसे वहाँ पे 2n लगाया था, क्योंकि वहाँ पे हेड और टेल दो ही आ सकते थे, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखो क्या लगाएंगे, 6n, क्यों, क्योंकि इसमें चांसेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक आने के चांस है ना, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट सिंगल तो 6 तक आने के चांस है। तो इसमें फॉर्मूला हमारा बनता है 6n, एन वो ही है, एन यहाँ पे डिनोट करेगा नंबर ऑफ डाइस को, कि कितने नंबर ऑफ डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जब डाइस हमने 1 लिया था, एक डाइस को थ्रो किया था, तो 6n 6 ही आ गया था, ये 6 के 6 हमने यहाँ पे लिखे थे। अगर डाइस 2 है हमारे पास, 2 डाइस है, तो 6n
मतलब 6 × 6 कितना बन जाएगा, 36। तुम्हारे 36 केस बनेंगे, बहुत सारे केस बनेंगे। 36 बनेंगे कैसे, देखो मैं दिखाती भी हूँ आपको। जैसे पहले मान लो फर्स्ट वाले पे वन, फर्स्ट वाले दो डाइस है ना, एक इधर ले आते हैं एक इधर ले। फर्स्ट वाले पे तो मान लो वन आ गया, ठीक है, सेकंड वाले पे भी वन आ गया, फिर फर्स्ट वाले पे वन आया, सेकंड वाले पे मान लो टू आ गया। फर्स्ट वाले पे मान लो वन नहीं आ रहा है, सेकंड वाले पे थ्री आ रहा है। फर्स्ट वाले पे फोर आ गया, फर्स्ट वाले पे वन नहीं आया, दूसरे वाले पे फोर, करते करते ये हमारे सिक्स तक जाएंगे, है ना, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वाले पे टू आया, दूसरे वाले पे वन, टू 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 थ्री टू फोर, करते करते टू सिक्स तक जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे थ्री वन वाले केस बनेंगे, थ्री सिक्स तक। देन क्या फोर आएगा, यानी फोर से लेके फोर सिक्स तक बनेंगे। देन फाइव वन से लेके फाइव सिक्स तक बनेंगे। देन सिक्स वन से लेके सिक्स सिक्स तक बनेंगे, ठीक है। तो हमारे देखो सिक्स सिक्स आ रहे हैं, वन रो में टोटल हमारी सिक्स ही रोज हैं, तो सिक्स इंटू सिक्स कितने केस बन जाएंगे, दैट इज़ 36। 36 केस इस तरह से बनेंगे व्हेन वी थ्रो द टू डाइस एट सेम टाइम। टू डाइस को थ्रो कर रहे हैं जब हम सेम टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, ये भी वैसे पता होनी चाहिए, पता नहीं वैसे आपके इतनी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, बट फिर भी देखो प्रोबेबिलिटी होती के, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, मैं बताती हूँ प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करनी है। फॉर्मूले पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वही, मतलब टोटल क्या क्या आने के चांसेस हैं, हमारे पास टोटल कितनी है। जैसे मान लो मैं वन डाइस को थ्रो कर रही हूँ, तो वन डाइस को जब मैंने थ्रो किया तो मेरे पास कितने नंबर्स आने के चांसेस हैं। यहाँ पे मान लो मैंने निकालना है, मुझे बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव ऑन डाइस, मतलब कि डाइस के ऊपर फाइव आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है जब हमने ऑन वन डाई, मतलब एक डाई को ही थ्रो कर रहे हैं, अपने आप समझ लो कि जब हमने एक डाइस को थ्रो किया तो फाइव आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि फाइव आए, हम जब थ्रो करें फाइव आए तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखो अब फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, फेवरेबल मतलब अगर हम एक डाई की बात करें तो हमें पता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स तक आ सकते हैं, तो टोटल हमारे पास सिक्स आ सकते हैं ना, वन से लेके सिक्स तक। ये तो हमारे हो गए टोटल आउटकम जितने आने की प्रोबेबिलिटी है, कितने आ सकते हैं हमारे रिजल्ट, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्लियर। फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जिसके बारे में, अब किसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में वो बात कर रहे हैं फाइव की, कि फाइव की कितनी प्रोबेबिलिटी आने की। तो फाइव आपने ये देखना है कि जो फाइव है वो इस सैम्पल स्पेस में कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है, जो फाइव है वो सैम्पल स्पेस में कितने टाइम्स आ रहा है। तो फाइव वन टाइम आ रहा है ना, फाइव सिर्फ वन टाइम आ रहा है, तो ऊपर हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगी वन। टोटल आउटकम कितने है? काउंट करो, वन काउंट करके लिखने हैं ये, हमने जो भी फेवरेबल आउटकम या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम डालने हैं ये काउंट करके लिखने हैं। ऐसे नहीं कि फाइव का फाइव डाल दोगे, फाइव कितने टाइम्स आ रहा है ये देखना है, ऐसी कितने नंबर ऑफ टोटल आउटकम आ रही हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी आई, सिक्स आई। ऐसे ये सिक्स नहीं डाला, नंबर गिन के डालने हैं, कितने हैं, सिक्स हैं, तो नीचे हमने टोटल सिक्स डाल दिए। ऊपर फेवरेबल फाइव की निकालनी थी, तो फाइव कितने टाइम्स आ रहा है, वन टाइम, तो ऊपर हमने वन डाल दिया, तो वन बाय सिक्स क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, कि वन बाय सिक्स प्रोबेबिलिटी होगी फाइव आने की। इसको उसमें पॉइंट्स में निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी की जो कभी प्रोबेबिलिटी है ना, वो किसी भी इवेंट की
नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी इवेंट की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, नेगेटिव में नहीं हो सकती। सेकंड जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है हमेशा ज़ीरो से लेके वन तक लाई करेगी, ना ना ज़ीरो से कम ना वन से ज़्यादा, ठीक है, हमेशा ज़ीरो से लेके वन तक लाई करती है। आपके मतलब 0.01 आंसर आ सकता है, 0.2 आंसर आ सकता है, 0.4 आ सकता है, 0.9 आ सकता है, 0.8 आ सकता है, ज़ीरो और ज़ीरो भी आ सकता है, वन भी, ये एक अलग से केस है, पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा ज़ीरो से वन के बीच में ही आंसर आएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपका आंसर कुछ और आया तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई गलत है, क्लियर। अब जैसे 1/6 अगर आप इसको पॉइंट में निकालोगे ना, ये देखोगे आप 0 point something ही आएगा, ठीक है, जीरो लेके पॉइंट लगाया, 6 × 6 0.1 आया ना, तो आपकी हमेशा ज़ीरो से लेके वन के बीच में आएगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा हमारी छोटी होगी, नीचे टोटल होगा तो बड़ा होगा, ऊपर हमेशा छोटी होगी, तो वो पॉइंट्स में ही जाएगी, 0 point something, तो हमेशा ज़ीरो से लेके वन के बीच में लाई करेगी प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा ज़ीरो और वन कब आती है, उसके बीच वाली की तो हमने बात कर दी, अब ज़ीरो और वन कब आएगी ये चीज़ भी देखो। देखो मान लो, अब मैं आपको देखो, एक होता है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट है ना, जो इवेंट हमने शुरू में समझे थे, दो तरह के इवेंट होते हैं, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, मतलब इम्पॉसिबल जो पॉसिबल ही नहीं है। देखो कैसे पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने एक डाइस थ्रो किया है ना, एक डाइस थ्रो किया और मैं आपको बोल रही हूँ डाइस थ्रो कर दिया, अब डाइस के रिजल्ट तो हमें पता है, वन से लेके सिक्स तक आ सकते हैं ना, डाइस थ्रो किया तो डाइस के रिजल्ट वन से लेके सिक्स तक आ सकते हैं, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ हेड। फैंक तो आप डाइस रहे हो, आंसर तो आपके वन से लेके सिक्स तक आने चाहिए, पर मैं आपको क्या बोली जा रही हूँ कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखाओ हेड आने की, तो हेड डाइस के केस में कैसे आ गया, हेड टू डाइस के केस में आ ही नहीं सकता, डाइस के केस में तो वन से लेके सिक्स तक नंबर्स आते हैं, हेड और टेल तो क्वाइन के केस में आता है, तो हेड तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है आने, है ना, हेड तो आना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऐसे इवेंट हमारे बन जाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे बात किसी और की कर रहे हैं, हमें फाइंड कुछ और ही करने के लिए बोल दिया जो उसमें है ही नहीं, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। वो इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ज़ीरो, क्योंकि वो चीज़ इसमें है ही नहीं, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड ही नहीं कर सकते ना, तो इम्पॉसिबल अगर आपसे ये MCQ में पूछ लिया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होती है, डैट इज़ द ज़ीरो, कितनी होती है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। अब एक होता है श्योर इवेंट की मतलब हमें श्योर, जैसे मान लो वही हमने क्वाइन टॉस किया, हमारा HERT आएगा, ठीक है, HERT आएगा, अगर मतलब मैं श्योर हूँ कि मेरा हेड ही आए, ठीक है, मैं श्योर हूँ कि मेरा हेड ही आएगा, तो जब भी इम्पॉसिबल की ज़ीरो होती है, बस आप सीधा याद रख लो श्योर की जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा वन होती है, श्योर इवेंट जिसका हमें पता हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही कितनी होगी, वन होगी, इम्पॉसिबल की ज़ीरो, श्योर की हमेशा वन होगी, ये चीज़ याद रखना बस। अब मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं, आप इसकी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो, मैं आपको देन नेक्स्ट वीडियो में क्या इसके क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाऊँगी, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पर और कोई समझा देती हूँ वैसे ही, ठीक है, रैंडमली, जैसे मान लो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बोल्स वाले, आपको कह दिया कोई बैग है, ठीक है, कोई बैग है, उसमें हमारे पास बैग में ना रैंडमली 8 येलो बॉल्स हैं, एक बैग है उसमें हमारे पास 8 येलो बॉल्स हैं, 8 हाँ येलो बॉल्स हैं, 9 वाइट बॉल्स डाली हुई हैं उस मतलब थैले में कोई भी बैग है, 5 उन्होंने ग्रीन बॉल्स डाली हुई हैं और 2 रेड बॉल्स डाली हुई हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान से देखो, 8 उस थैले में 8 येलो है, 9 वाइट है, 5 ग्रीन है और 2 येलो रेड है, आगे ने बोल दिया कि 1 बॉल इज़ ड्रोन आफ्टर मिक्सिंग द बैग वेल, कि जो बैग्स में हमने इतनी इतनी बॉल्स डाली उनको रैंडमली मिक्स कर दिया, हमने देखा नहीं बस रैंडमली मिक्स किया
और उनमें से एक बॉल है जो ड्रॉ आउट की, ठीक है, बाहर निकाली हमने बॉल। अब हमें हम बिना देखे निकालेंगे, देखना नहीं है, ठीक है। उस थैले में सारी बॉल्स मिक्स की और हमने एक बॉल निकाली है। अब एक जो बॉल निकाली है हमने, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रोन बॉल बीइंग रेड, जो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो हमने बॉल ड्रॉ की है, बॉल निकाली है, कि वो रेड कलर की है, रेड कलर की है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने फर्स्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रोन बॉल टू बी रेड, की जो हमने ड्रोन बॉल निकाली है वो रेड कलर की होगी, ठीक है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने एक बॉल निकाली है मिक्स करने के बाद वो रेड होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, है ना, ओवर क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आपको पता ही है, ऊपर फेवरेबल, नीचे क्या है, टोटल नंबर। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करूँ तो टोटल टोटल कितनी आउटकम्स होंगी, या तो 8 येलो हो सकती है, 9 वाइट हो सकती है, 5 ग्रीन हो सकती है, 2 रेड हो सकती है, टोटल तो सारी हो सकती है। तो इन सब का क्या कर लो, प्लस वो क्या आ जाएगी हमारी टोटल आउटकम, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 17 प्लस 5 कितना, 22 प्लस 24, तो 24 हमारे पास क्या हो गई, टोटल बॉल्स हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी आएगी हमारे पास, 24 की, 24 हमारे पास टोटल हो सकती हैं, है ना। अब ऊपर फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमें निकालनी किसकी है, रेड की। तो ये देखो रेड कितनी है हमारे पास बॉल्स, रेड हमारे पास 2 बॉल्स है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगी, रेड वाली, रेड की निकालनी है, जिसकी निकालनी है वो ऊपर रख लो, रेड वाली 2 है ना, तो ऊपर क्या रख लिया, 2। जब हमने कट किया तो 1/12 के आ गई हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर होता है, जस्ट सिंपली नीचे टोटल रखी जाओ, जो निकालना है वो ऊपर रखी जाओ, हमारा आंसर आता जाएगा, कुछ नहीं करना। मान लो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमें बोला है कि जो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ग्रीन बॉल की, जो हमने बॉल निकाली है वो ग्रीन है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम, नीचे टोटल, टोटल तो 24 या 24 ही रहेंगी। अब ग्रीन देखो कितनी है, ग्रीन कितनी है, 5 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5। बस ये हमारी आंसर आ गया ग्रीन का। अगर हमें थर्ड में बोला है कौन सी, येलो, येलो बोल दिया, तो नीचे तो टोटल ही लगेंगी 24, येलो कितनी थी हमारी 8, तो ऊपर क्या लग जाएगा, 8, ठीक है। मान लो अगर हमें बोल देते फोर्थ में हमें बोल देते रेड, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो रेड प्लस वाइट दोनों की, रेड प्लस वाइट की फाइंड करो, तो नीचे तो टोटल आउटकम्स तो 24 ही रहेंगी, रेड प्लस वाइट दोनों की बोली है ना, तो रेड और वाइट वालों को प्लस करके क्या है, ऊपर लिख दो, कुछ भी नहीं है। तो रेड और वाइट कितने कितने हैं, 2 रेड है, वाइट कितने हैं, 9, 9 प्लस 2 11, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 11/24 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जिसकी भी गई होगी उनको ऐड करके लिखी जाओ, ऊपर नीचे टोटल लगाई जाओ, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी।